अगला ब्लॉग प्रोज प्रोबेबली बाथरूम से शूट होगा। और कल थी रतलाम से लखनऊ की वापसी जो कि हो गई है थोड़ी सी कैंसिल। पापा कहाँ है? सो रहे हैं। सो जी पापा जी हमारे ससुराल में सोने आए हैं। जल्दी निकल रहे हैं हम लोग, मतलब 1:30 बजे का टाइम बोला गया था। सो जी ब्लॉग की शुरुआत करते हैं गेलड़ा परिवार जी के व्याह में जाते जाते। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग है रतलाम में। आज है हमारा दूसरा दिन और कल थी रतलाम से लखनऊ की वापसी जो कि हो गई है थोड़ी सी कैंसिल। अब हम लोग जाएंगे परसों। कल नहीं जा रहे ऐसा हमने सुना। आप कहिए, हम तो कल के लिए रेडी हैं। ट्विंकल की कहती है अमरिंदर जी तुसी की कहते हो परसों जाओ यार। थोड़ा मुस्कुरा के बोलो तब तो रुकने में मजा भी आए से। आप मान ही नहीं रहे तो आप ही मुस्कुराएगा कब से। ना ना ट्विंकल जी तो मुस्कुरा रही है और आज तो ट्विंकल जी एकदम ऑरेंज कैंडी। परसों चलो मैं मुस्कुराती हूँ। जी ठीक है जी। सो जी परसों जाएंगे। काम तो आज भी नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ आज भी चल सकते हैं। ना थोड़ा सा मैं दंद ही प्रॉब्लम बड़ी बढ़ रही है। एक्चुअल में पापा और मम्मी नहीं जाने दे रहे, बाकी आपका अपना डिसीजन है। अगर आप अपने समधी और समधी जी का दिल तोड़ के अगर आप लखनऊ जाना चाहें, अरे भाई उनसे रिक्वेस्ट करके जाएंगे। और अगर वो अपनी साइड से रिक्वेस्ट करने लग गए फिर बड़ी स्मार्ट लग रही हो यार आज तो, मतलब एकदम दिल मोह लिया तुमने आज दोबारा मेरा। उनका तो कैमरा मुंह से आया। सो गाइस आप देख रहे हो मेरे सासू माँ की क्या दिक्कत है, सॉरी ससुराइन की। कैमरे से घबराती है मम्मी। सो जी शादी में तो पहुंच गए हैं। हाँ जी रोटी हो गई, चला जाए। हाँ, आ जाए तो चले अंदर जाके थोड़ा सा तशरीफ टिकाए। पहली पार्टी ऐसी खाई है जिसमें ना कोई प्याज है, ना कोई आलू है, ना कोई गाजर है, ना कोई मूली है। क्या डिशेज इतनी है, हमने तो पहली पार्टी ऐसी देखी है जहाँ 15 टाइप का नमकीन लगा हुआ है। बढ़िया जी। ऑरेंज कैंडी आइए फोटो खिंचाए चल के। हाँ जी कैसा बना है? चलो जी चलो। सो जी ब्याह शादी से हम लोग निकल आए हैं। फंक्शन बहुत ही अच्छा था। ट्विंकल जी ने आंवला का कम से कम कितना जूस पिया होगा? बेबू बस दो ग्लास। और आपने साहब? एक। गाइज मैंने 12-13 ग्लास आंवले का जूस पिया क्योंकि फर्स्ट टाइम हमने लाइफ में आंवले का। अगला ब्लॉग प्रोज प्रोबेबली बाथरूम से शूट होगा। सो जी अब हम लोग जा रहे हैं पहले घर। ऑन करिए गाड़ी। घर से थोड़ा सा अनपैकिंग करेंगे अपने आप की कपड़े। क्या दरवाजे मार रही है वहाँ पे? कपड़े चेंज करके हम लोग आज जा रहे हैं जी कैक्टस गार्डन। वर्ल्ड का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन है एशिया का। जी था एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन था, अब थोड़ा सा छोटा हो गया है। अब एकदम से 45वें नंबर पे आ गया। 45वें नंबर पे आ गया जी। तो आपको आज कांटेदार पेड़ पौधों के दर्शन कराएंगे। हटा देना क्योंकि ये कुछ भी बोला हुआ मैंने। अच्छा 45वें पे नहीं आया मतलब। सो जी ये फ्रॉड था, हमें खुद नहीं आइडिया कि कौन से नंबर पे गाड़ी हट गई है। और अब जी तैयारी है, पहले घर जाएंगे और फिर कैक्टस गार्डन जाएंगे। घर का बना मीठा पारा ट्विंकल जी ने एंजॉय किया है। मम्मी जी चाय पी रही हैं। अरे यार ये फिर आ गया। अमरिंदर वीर जी तैयार हो गए हैं। सब्जी वाला आ गया। सो जी गर्मी कुछ ज्यादा थी तो आज हम लोग कैक्टस गार्डन नहीं गए बल्कि कैक्टस 2-4 ऊपर उगा लिए हैं, वही देख आए हैं। हो सकता है हम और हमारे फालेफाप हम दोनों जाएं कहीं तो लेक लाइक लेक लूप साइड रतलाम में भी। आपको पता है गाइस पानी पूनी है और बेदी जी जा रही हैं सर्वानंद, करेंगी ये शॉपिंग परमानंद। रिवंटी आप क्यों इतना परेशान है? चाय पी रही हूँ। क्यों? पापा कहाँ है? रतलाम पापा। लखनऊ पापा? रतलाम पापा तो ऑफिस गए। सो रहे हैं। सो रहे हैं। सो जी पापा जी हमारे ससुराल में सोने आए हैं। बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी बनी है। हाँ जी मैडम चलो। सो जी गाइस अब हम लोग जा रहे हैं इनको शॉपिंग कराने छोड़ने और हम बेदी जी थोड़े सीनियर बेदी जी के साथ थोड़े से सीनियर इनके साथ हम जा रहे हैं लेक साइड व्यू एंजॉय करने। द नेक्स्ट मॉर्निंग। अरे क्यों सब्जी बनानी, रहन दो सब्जी उब्जी। आप चले जाओ किचन बहुत गंदा। सो जी पूड़ी की सब्जी बनी है। पूरी सब्जी बनी है। कल हम लोगों ने जाना था कहीं तो घूमने बेदी जी के साथ, ये बीच वाले बेदी जी के, और हम जा ही नहीं पाए। गुड मॉर्निंग सर।
पापा जी हो गए रेडी एकदम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। गुड आफ्टरनून जी। सवा बारह हो गई है। आज कपड़े उतार रहे हो आप, क्या हो गया? गर्मी बार पापा ने कुछ नहीं पहना, मम्मी नहीं पहनी ऐसा। सो जी कल हम लोग कहीं जा नहीं पाए तो आज हम जा रहे हैं सबसे पहले मोटी बहन के घर। उनके पापा का कॉल आया था, फिर इनकी सहेली सखी सहेली सवा बारह हो रहा है, हम पौने एक तक आ जाएंगे वापस। नहीं आना, आज जाएंगे हम सवा एक से पहले। मत इनको थोड़ा जल्दी तैयार करा दीजिएगा, तो 15 मिनट में हम वापस आ जाएंगे। मम्मा ना ना हाय हेलो करने, नाश्ता करके जा रहे हैं, चाय पी के जा रहे हैं, वहाँ जाके पानी पी लेंगे बस। मम्मी दे नहीं आई है। क्या चीज यार? कुछ नहीं यार, हाथ में ले लेके तरीका जीवन ऐसा ही हो गया। अस्सी भी शुरू हो गया। आओ जी मंत्री जी आइए, चलिए रिक्शा ही कर दिया। चलो अब वो लोग मिलते रहते हैं ना यार। चलो तीन कराएंगे दो यार। अरे वो गाड़ी अलाइनमेंट कराने जा रहे हैं। अरे आपका भरोसा नहीं, पूरे डब्बे को ले चलो। तो जी ट्विंकल जी हो गई हैं राडी। अरे मैडम को तैयार करवा दीजिएगा जल्दी। पक्का? चलिए ओके बाबा, मिलते हैं। सीयू। चले मालिक। तो जी इतिहास में पहली बार आप कल तो इतिहास और बनेगा। कल आप पीछे बैठोगे नहीं तो कार की उसकी डस्टर की डिक्की में बैठोगे। इतिहास में पहली बार हो रहा है कि तरन बैक सीट पे बैठे। हाँ थोड़ा सा हवा हवा तेज करो ना, पीछे हवा नहीं आती। नहीं जरूरत भी नहीं है, पहुँचने वाले। ठीक है पहुँच गए जी। सो जी हम लोग जा रहे हैं मोटी बहन के यहाँ। मोटी बहन इनका बचपन का पहला दोस्त। पालिया है उदा ब्याह हो गया बंगलोर। बंगलोर है तो जी दोनों पापा लोग आगे बैठे, कमान संभाली हुई है इन्होंने। बच्चे साथ में, तीन बच्चे पीछे आ गए ना। वाजिफा देखो कौन आया। हेलो नमस्ते सर। ओ हेलो हेलो, और ये तो छुप गई। आओ जी आओ जी आया लो। वाह साहब बहुत बढ़िया भाई। और कैसे हैं जगह? सब बढ़िया ठीक है। हमने बोला, हमने बोला था कि आना यार, बुलाने की कोई बात ही नहीं थी यार। पूछो अपॉइंटमेंट फिक्स थी कि इस दिन यहाँ आना ही आना है। अरे ना सही हो ना, यार मेरे से तो आपने बात ही नहीं की। हमारे साथ ये जबलपुर। ओके जी मिलते हैं। ओके अंकल सी यू। कैसा लगा फिर आपको सबसे मिलके? बहुत बढ़िया। अच्छा हाँ आ जाओ मम्मा। मम्मा को तो नहीं लेके जा रहे हम, सिर्फ आपको लेके जाएंगे। मासी जा रही है। ओके मजे लेंगे मजे लेना और क्या, यही तो जिंदगी है।
चलिए जी। ओके जी, ओके बाय। इतनी कितनी देर लग गई आने में? शॉपिंग कर रहे थे। सो जी, घर वापसी हो गई है, मम्मा रेडी हो गई हैं और अब तैयारी है कैक्टस गार्डन जाने की। आप चल रहे हैं? तो तुसी सोच सोच के सोचो जरा। सो जी गाइस, तैयारी है अब कैक्टस गार्डन जाने की। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम आपसे मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, तब तक बाय। आज सब येलो येलो है, बसंत पंचमी है आज। बसंत पंचमी की सबको बहुत बहुत बधाई। ये ब्लॉग पड़ेगा तब तक बसंत पंचमी के 2 हफ्ते बीत चुके होंगे।